I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. Taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so right away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. गाइस ये शुरुआत एक एमुलेटर से होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस खिलाड़ी ने अपना पहला शुरुआती दौर एमुलेटर पर खेलकर गुजारा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा एमुलेटर जो बिल्कुल भी रद्दी भर का था और इतना लैग था कि ये आज तक एक इंसान रियल प्लेयर तो क्या, आज तक एक बॉट भी नहीं मार पाया। और इसी के चलते इसे आगे जाकर बॉट की उपाधि भी मिली। लेकिन फिर घोस्टबस्टर ने इतना ज़्यादा सोचा, इतना ज़्यादा कि उसके बाद बिल्कुल ही दिल पर लग गई और उसके दिमाग पर भी बहुत गहरा असर हुआ। और फिर एक दिन उसने घोर तांडव किया। जी हाँ, उसने तांडव किया। घोस्टबस्टर ने एक टांग पर खड़े होकर दिन रात तांडव किया और घोर तपस्या भी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन भगवान ने प्रकट होकर उसकी ज़िंदगी में A51 जैसे मोबाइल का वरदान दिया। और फिर call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। घोस्टबस्टर आपका भाई यानी कि मैं राउंड 4 तक तो आ ही चुका हूँ, मतलब आसानी से, मतलब लेट लेट आके, मतलब क्या ही बोल दिया मैंने, लेट लेट आके तो नहीं पहुँचा हूँ और झूठ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को मेरा नाम भी दिख गया है। लेकिन गाइस इस सीज़न हाँ मैंने सच्ची में थोड़ा सेफ खेला है और अगले सीज़न में पुश करूँगा और अच्छी। और गाइस तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल और अपने घरों पर भी बने रहो, सेफ रहो एंड थैंक यू सो मच।